डॉक्टर उम्म चिश्ती लाहौर से आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है आम सा टॉपिक है सर दर्द जिसे कहा जाता है हेडक सर दर्द बजाते ख़ुद जो है वो कोई बीमारी नहीं है लेकिन ये एक नर्वस कम्पलेंट है जिसके साथ साथ क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के दर्द होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं या कोई डिस्कम्फर्ट होती है यानी बे आरामी होती है जिसका ताल्लुक जिसम के मुख्तु हिस्सों से होता है और वो कॉज कर देता है सर दर्द को कॉजिज़ के हवाले से अगर बात करूँ तो इसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं और इसकी बेस पर इसका ऑनसेट होता है यानी इसका होना सर दर्द का होना किसी कॉज़ की वजह से होता है डिफरेंट काज़ की वजह से इसका ड्यूरेशन भी उन्हीं कोजेज़ पर होता है यानी जिस टाइप की कॉज़ होगी उतना ही ड्यूरेशन होगा यानी कितनी देर तक रहेगा सर दर्द और इंटेंसिटी भी इसी पे डिपेंड करती है यानी इसकी शिद्दत भी काजिज़ की बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाइड करती चलूँ कि नंबर वन ये लोकल काजेज़ होती हैं कुछ फिर रेफर्ड पेंस होती हैं इसके अलावा नर्वस काज़ होती हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज़ होती हैं तो स्लाइड स्लाइड सा बताती चलती हूँ कि लोकल काज़ के हवाले से जो लोकल काजेज़ होती हैं वो इस तरह होती हैं जैसे फ्रंटल साइनस है अगर किसी को साइनोसाइटस है तो उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है इसके अलावा हेड इंजरी हो गई अगर किसी को उसकी वजह से हो सकता है या कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए स्पेशली डिफॉर्मिटी आ जाए बोन्स में इसके अलावा रूमेटिज़म में मसल्स की जो नेक है नेक मसल्स वगैरह इनमें पेन आ जाता है जिसे सर्वाइकल फाइब्रोसाइटिस भी कहा जाता है और अगर स्पाइनल जो कॉलम है उसके 33 आपको पता है वर्टिब्रा होते हैं इनमें से किसी में भी अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी सर दर्द हो सकता है रेफर्ड पेन जो होती है इसमें क्या होता है कि जैसे कुराइजा है किसी को नज़ला जुकाम है नोज़ में अगर कोई ग्रोथ्स बनी हुई हैं या सेप्टम के कोई डिफेक्ट्स हैं नोज़ की तो उसकी वजह से हो सकता है इसके अलावा आंखों में अगर वीक आईसाइट है उसकी वजह हो सकती है या ग्लाकोमा है आयराइटस हो गया किसी को उसकी वजह से यानी आयरस की इन्फ्लामेशन है या मोतिया का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है फिर ये कि अगर टीथ में कोई इंफ्लामेशन है यानी कानों या दांत में कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है फिर यूट्रो ओवेरियन रिफ्लेक्सेस की वजह से भी हो जाता है बात फीमेल्स में यूट्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है नर्वस काजस जो होती हैं उनमें क्या होता है न्यूरोलजिया होता है और सरेब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि मैनजाइटस हो जाता है आधे सर का दर्द सिफलिस की वजह हो सकती है ग्रोथ्स हो सकती हैं कोई एब्सेस हो सकता है या फिर हाई और ब्लड लो ब्लड प्रेशर जो है ये कॉज कर देते हैं नर्वस इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज़ जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जैसे क्रॉनिक किसी को नेफ्राइटस रहा हो यानी गुर्दों का प्रॉब्लम या यूरीमिया हो गया हो पेशाब में जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता हो या उसमें ब्लड आ रहा हो इसके अलावा टू हाई बीपी हो जाए यानी बहुत ज़्यादा शूट कर जाए उसकी वजह भी हो सकती है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज़ कहा जाता है और सवियर एनीमिया किसी को हो जाता है तो भी ये वजह होती है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी ऐसा सर दर्द हो सकता है इसके अलावा आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ एपिलेप्सी यानी कि किसी को जो है एपिलेप्सी हो मिर्गी या हस्टेरिया के दौरे हो उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है सी सिकनेस हो सकती है एयर सिकनेस हो सकती है डिप्रेशन की वजह हो सकती है या फिर हाइपोक्मिया हो सकता है हाइपॉक्जिमिया में क्या होता है कि डिमिनिश हो जाती है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसकी वजह से ये सर दर्द होता है गैसट्राइटस की वजह भी हो सकती है यानी मेदे की इन्फ्लामेशन अगर जिन पेशेंट्स में हो तो इसमें ऐसा हो जाता है फिर ये कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो अगर पुराना किसी को कब्ज़ का प्रॉब्लम हो या एसिडोसिस हो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर हेपेटाइटिस का पेशेंट हो इसके अलावा गाउट के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है और एल्कलोसिस में हो जाता है यानी एल्क्स बहुत ज़्यादा हो जाए अगर बॉडी में तो भी सर दर्द कॉज हो जाता है और इसके अलावा एक्यूट किस्म के जो फीवर्स होते हैं लाइक like मलेरिया हो गया इन्फ्लुन्जा हो गया इसमें होने वाला सर दर्द और हीट स्ट्रोक की वजह से भी सर दर्द हो जाते हैं मेजरली आप हेडक की सिम्टम्स देखें तो थ्रॉबिंग होगी स्क्वीजिंग होगी कॉन्सटेंट किस्म का होगा प्रिकिंग होगी इस टाइप स्टेबिंग होगी ये डिफरेंट किस्म के सर दर्द की सिम्टम्स आपको देखने में मिलती हैं और टाइप्स के हवाले से बात करें तो टेंशन हेडक होता है मिग्रेन हेडक होता है क्लस्टर हेडक होता है क्रिक डेली हैडेक होता है फिर साइनस हेडक होता है पोस्ट ट्रोमेटिक हेडक होता है ये तमाम हेडक्स होते हैं कुछ लेस कॉमन हेडक्स भी होते हैं जो इतने कॉमन नहीं होते यानी वो पता है क्या होता है कि जैसे एक्सरसाइज हैडेक हो गया कोई एक्सरसाइज वगैरह की है ब्लड बहुत ज़्यादा पूल हो गया इकट्ठा हो गया किसी जगह पे मसल्स वगैरह में और उसके प्रेशर की वजह से सर दर्द हो जाता है या फिर क्या होता है कि हेमिक्रेनिया हो जाता है हेमिक्रेनिया कंटिन्यू होता है इसमें क्या होता है कि सेम साइड पे और सेम फेस हिस्से में फेस के जो है ना पेन होती है सर दर्द होता है इसके अलावा हार्मोन हेडेक भी होता है समटाइम्स ये आ, लेस कॉमन हेडेक्स हैं जिनका मैं बता रही हूँ तो हार्मोन हेडेक्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में हो सकते हैं है, पीरियड्स में हो जाते हैं या फिर मीनोपॉजल कंडीशंस में ऐसा होता है फिर आ, न्यू डेली परसिस्टेंट हेडक्स होते हैं इनमें क्या होता है अचानक से स्टार्ट होता है सर दर्द और तीन माह तक भी हो सकता है इस तरह का सर दर्द ये होता है इसके अलावा रीबाउंडडक्स होते हैं और ये होते हैं कि मेड, मेडिकेशन की वजह से होते हैं ओवर यूज़ हो जाएगा और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा किसी ने दवाइयों का इस्तेमाल किया हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है अब चंदक्स होते हैं जिन्हें रेयर हैडक्स कहा जाता है इनमें आइस ब्रेक हैडक् होता है ये शॉर्ट होता है और स्टेबिंग किस्म का होता है चंद सेटिंग सेकंड्स के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है इसके अलावा स्पाइनल हेडेक्स होते हैं ये डेफिनेटली स्पाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं एक थंडर क्लैप हेडक्स होते हैं इनमें जो है इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व होती है वेस्कुलर्स इन्फ्लमेशन होती हैं इन शॉर्ट ये कि कॉज पर डिपेंड करता है कि सर दर्द किस वजह से है हम कॉज को देखेंगे और उस हवाले से डील करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं तो होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है और बहुत सारी मेडिसन है जो हेडेक को ठीक कर देती हैं सर दर्द को दूर कर देती हैं अचानक होने वाला सर दर्द एकोनाइट से भी ठीक हो जाता है बेलाडोना से भी ठीक हो जाता है अब आपने नेचर ऑफ पेन देखनी होती है कि किस टाइप की है जैसे कि ग्लोनाइन में थ्रॉबिंग पेंस हैं बेलाडोना में है तो डेफिनेटली के जब आप देंगे तो फ़ौरी तौर पर पेशेंट पे जो है वो रिलीफ फील करेगा इसी तरह जेलसीमियम है चिनथस है जिन्कम मेट है बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने की वजह से दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर सर दर्द होता है तो मेट बहुत अच्छी मेडिसन है इसी तरह कमज़ोरी की वजह से आरसैनिक बहुत अच्छा काम करती है नक स्वामी का बहुत अच्छी मेडिसन है एलियम सिपा मेडिसन है काली बाइक है मेली लोटस है जैसे बच्चों में सर दर्द अगर हो सर दर्द जो बच्चों में स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें ओवरवर्क और ओवरबर्डन की वजह से जब सर दर्द होते हैं तो कल के फॉस उन्हें ठीक कर देती है इसी तरह नेट्रोम्योर बहुत अच्छा है ये अनियमिक होने की वजह से जो सर दर्द होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है स्पाइजेली अगर लेफ़्ट साइड दे हेडेक है, है तो उसमें पल्सा अर्जेंटम नाइट्रिकम ब्राइनिया ठंडा गर्म अगर हवा का ठंडी गर्म हवा लग जाए तो उसकी वजह से होने वाला सर दर्द ब्रायनिया बहुत अच्छे तौर पे रिकवर कर देती है इसी तरह कैमोमिला जो गु़स्से की वजह से सर दर्द हो जाए कैमोमिला और नक्स बहुत अच्छा काम करती हैं सेंगोनेरिया अगर ब्लड पुलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही हो सर में बहुत ज़्यादा खून का अज्तमाम महसूस हो तो भी बहुत अच्छा काम करता है जैसे कि बेलाडोना में भी ऐसा होता है इसी तरह आयरस वर्स जो है बहुत अच्छा काम करती है और ए पी जब साथ में आपको मतलब भी महसूस हो रही है सर दर्द में तो बहुत अच्छा काम करती है और एक मदर टिंचर है बहुत जबरदस्त जो मेरी अपने एक्सपीरियंस में भी आया है उस निया बार बैठा जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है कि जब किसी भी किस्म का हेडेक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी दें तो काम करता है और बहुत अच्छे तौर पे क्योर कर देता है मैगफॉस बहुत अच्छी मेडिसन है जो बहुत सारी नेचर ऑफ़ पेंस में काम करती है इसमें मल्टीपल नेचर ऑफ़ पेंस मिलती है आपको और सर दर्द में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है एक ही डोज अगर हाई में दे दें दे तो बहुत अच्छा काम करती है आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़